तो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास डी 900 वाट आरएमएस बोर्ड के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस बोर्ड की पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो यदि आप इन्हें इस बोर्ड को खरीद लिया है या फिर खरीदने की सोच रहे हो तो यह वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर आप इस बोर्ड को बिना नॉलेज के यूज करोगे तो हो सकता है यह बोर्ड खराब हो जाए, सकता है कि आपका स्पीकर जल जल जाए या फिर पावर सप्लाई भी जल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल सके मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कितने पसंद आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं दोस्तों। इस पे जो है ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का यूज कर सकते हैं, तो देखिए इस बोर्ड पे जो है आप 40-0-40 से जो है 110-0-110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि जो है ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर का और अच्छी क्वालिटी का यूज करें दोस्तों, क्योंकि लोकल ट्रांसफार्मर से आपको प्रॉपर आउटपुट इस पे जो है नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप इसे प्रॉपर इनपुट नहीं दोगे तो प्रॉपर आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस पे जो है अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर यूज कीजिएगा, तभी जो है ये क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड अच्छे से वर्क करेगा और आपको प्रॉपर जो है आउटपुट मिलेगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसे जो है कितने ओम्स पर चला सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप इसे 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम पर चला सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 2 ओम से नीचे नहीं चलाना है। अगर आप इस बोर्ड को 2 ओम से नीचे चलाओगे तो हो सकता है ये बोर्ड आपका खराब हो जाए दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, आप इसे 4 ओम्स पर चलाइए, 4 ओम्स पर आपको ये प्रॉपर आउटपुट देगा। और दोस्तों, इसमें कंपोनेंट की बात करें तो काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं दोस्तों। सभी जो है सैमवा कैल्ट्रॉन के इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं। काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी होती है सबसे सैमवा और कैल्ट्रॉन। और दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी लाइट वेट आपको ये देखने को मिलेगा। मुश्किल से दोस्तों इसमें 400-500 ग्राम वेट है दोस्तों। काफ़ी जो हैवी क्वालिटी का ये बोर्ड है दोस्तों। एमवी कलेक्शन द्वारा मैन्युफैक्चर है दोस्तों, और इसे आप फ्लिपकार्ट एंड व्हाट्सएप दोनों से खरीद सकते हो दोस्तों। अब बात करें इस पे जो है कितने इंची का स्पीकर चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पे आप 10 इंची, 12 इंची, 15 इंची और 18 इंची का स्पीकर भी चला सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इस पे आप 18 इंची की बेस भी चला सकते हो, जो कि दोस्तों क्लास डी एम्पलीफायर जो काफ़ी अच्छी बेस देते हैं, इसलिए ये बेस को भी अच्छे से ऑपरेट करेगा। तो देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि ये बोर्ड हीट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्लास डी बोर्ड जो है काफ़ी कम हीट होते हैं दोस्तों। एंड इसमें जो है, अगर आप एक अच्छा एम्पलीफायर बना रहे हो तो आपको क्या करना है, फिर भी एक फ़ैन लगा देना है, ताकि बाई चांस अगर कोई कंपोनेंट ख़राब होने से कोई भी ऐसी हीटिंग हो तो आपका बोर्ड ख़राब ना हो और लॉन्ग लाइफ टाइम जो है चलता रहे। अब दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये आपको IRF 260 MOSFET में जो है 2100 से 2200 रुपये का मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप इसे अलग अलग जो है मोसफेट में लोगे दोस्तों, तो उसके हिसाब से आपको जो है अलग रेंज पड़ेगी दोस्तों। अभी के टाइम में जो है इसका प्राइस जो आपको 2 से 3 हज़ार के बीच में मिल जाएगा दोस्तों। हो सकता है आगे के टाइम में दोस्तों इसका प्राइस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि क्लास टी एम्पलीफायर की डिमांड जो है दोस्तों जो बढ़ती जा रही है, इसलिए दोस्तों आपको इसके जो है प्राइस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में जो है इस बोर्ड की जो है काफ़ी सारी डुप्लीकेट कॉपी आ रही हैं, इसलिए जब भी आप इस बोर्ड को खरीदो तो किसी लोकल मार्केट से मत लीजिएगा। इसे आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या फिर डायरेक्ट एमवी कलेक्शन से ले सकते हो दोस्तों, ताकि आप नकली बोर्ड से बचे रहो। अब हम इस बोर्ड की वायरिंग की बात करें तो देखिए, काफ़ी आसान जो है इसके कनेक्शन है दोस्तों। बाकी दोस्तों, आप जो है PCB में सब कुछ प्रिंटेड मिलेगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना नहीं पड़ेगा। फिर भी देखिए दोस्तों, आपको इधर 3 कनेक्टर दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपको ट्रांसफार्मर के जो है AC वोल्टेज को पहले आपको DC में कन्वर्ट कर लेना है पावर सप्लाई से, फिर जो पावर सप्लाई के 3 वायर आएंगे दोस्तों, यानी कि 40-0-40 वोल्ट के, वो यहाँ पर आपको लगा देना है। और दोस्तों, इस साइड जो आपको स्पीकर के वायर लगाने हैं, और इस साइड दोस्तों आपको एक ये जो कंडक्टर दिख रहा है, इस पर आपको 12 वोल्ट DC देनी है दोस्तों। याद रहे, 12 वोल्ट DC, AC पावर मत दीजिएगा। AC पावर देने से ये बोर्ड आपका ख़राब हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, जितने भी जानकारी इस बोर्ड के बारे में थी वो मैं आपको पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। अगर फिर भी आपके मन में कोई और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों, मैं आपको कमेंट में जल्दी रिप्लाई दूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे भी वीडियो लाता रहूँगा चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।